और दोस्तों अब वक्त हो गया, जब भी मैं आपको बताता हूँ टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ मतलब दिसंबर के महीने में कौन से स्मार्टफोन है जो आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम ये वीडियो महीने के लास्ट में करते हैं और आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिलता है हमें इस वीडियो पर। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सितंबर की अपेक्षा और अक्टूबर की अपेक्षा नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा कम स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, और ऐसा हुआ भी क्योंकि नवंबर के महीने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन देखने को नहीं मिले। लेकिन यह सच है कि दिसंबर के महीने में आपको बहुत ज्यादा कमाल के स्मार्टफोन देखने को आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में कुछ ऐसे भी स्मार्टफोन हैं जो कि 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। सब कुछ बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रियलमी एक्स जो आया था वो बहुत ज़्यादा कमाल का स्मार्टफोन था, काफ़ी ज़्यादा बूम मचाई थी उस स्मार्टफोन ने। अब जो है उसका सक्सेसर बनकर के आ रहा है जिसका नाम है रियलमी एक्स टी 730G, इस स्मार्टफोन का नाम है। क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको वही सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। बैक में 4 कैमरे जिसका प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको प्रोसेसर आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट देखने को मिला था, इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट देखने को मिलेगा। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम दी गई हैं, और ये स्मार्टफोन जो है ना वो दिसंबर के महीने में आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, नोकिया भी अपना एक स्मार्टफोन लेकर के आएगा दिसंबर के महीने में। ये जो स्मार्टफोन है 5 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है, इसका नाम है नोकिया 8.2। इस स्मार्टफोन की खासियत यह है कि इस स्मार्टफोन में आपको नोकिया की तरफ से पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 32 मेगापिक्सल का होगा। बैक में आपको ट्रिपल कैमरे देखने को मिलेंगे। वैसे नोकिया के फोन जो है ना वो अच्छे होते हैं, लेकिन प्राइस वो थोड़ी सी ज्यादा महंगी करते हैं। वी होप कि इस बार नोकिया इस चीज को समझे और प्राइस अपनी अच्छी लेकर के आए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल वाले आइकन को प्रेस करो और हाँ ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। और दोस्तों वीवो का भी एक स्मार्टफोन आएगा जिसका नाम है वीवो S5। ये स्मार्टफोन भी आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन की खास बात यह है कि इसमें आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, जिसकी सेल्फी जो होने वाली है वो 32 मेगापिक्सल की होने वाली है। और हाँ, बैक में आपको इसमें 4 कैमरे देखने को मिल जाएंगे, 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। वैसे दोस्तों हमने इस पर एक फुल डिटेल्स में वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, जाकर के उस वीडियो को देख लें, आपको वीवो S5 की सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है रियलमी वालों की और श्योमी वालों की, दोनों की चल रही है। उस पर हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के चेक कर सकते हैं। और दोस्तों एक ऑनर का फोन था ऑनर 9X, ये स्मार्टफोन हम हर बार बोल देते हैं कि इस वाले मंथ में लॉन्च होगा, लेकिन ये इंडिया में नहीं आया है। लेकिन फाइनली आपको अब ये इंडिया में देखने को मिलेगा दिसंबर के महीने में। इस स्मार्टफोन की खास बात यह है कि इसमें आपको क्रीन का 710 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, पॉपअप की सेल्फी के साथ आएगा, 16 मेगापिक्सल का इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बैक में आपको ट्रिपल कैमरे देखने को मिलेंगे, 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। वैसे दोस्तों अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में तो हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई है ना आप लोगों के लिए, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में फिर से दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं अगर आप ऑनर के 9X को लेकर के इंटरेस्टेड है तो। वैसे दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, हमें लाइक करके जरूर से बता दीजिए। और दोस्तों मैं आपको चीज बता दूं, सैमसंग के भी काफी सारे स्मार्टफोन आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिल जाएंगे। सैमसंग का M50 भी आने वाला है, A51 भी आने वाला है और A71 भी आने वाला है। इनमें स्मार्टफोन में आपको बता दूं कि इस बार आप देख पा रहे होंगे सैमसंग ने क्या किया है, फुल व्यू डिस्प्ले की है, उन्होंने वहां पे बीच में पंच होल वाला बिल्कुल बीच में आपको गोल वाला कैमरा दिया है, मतलब डिस्प्ले में ही आपको कैमरा देखने को मिलेगा। बैक में आपको 4 कैमरे देखने को मिलेंगे, क्लियर नहीं हुआ है कि कौन से आपको कैमरे देखने को मिलेंगे, लेकिन जब भी आएगा तो हम आपको जरूर से बता देंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा जैसे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और दोस्तों ओप्पो की तरफ से भी आपको एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसका नाम है ओप्पो K5। ये वास्तविक काफी ज्यादा कमाल का स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिलेंगे, 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का, बहुत ज्यादा फाड़ू स्मार्टफोन है। और हां दोस्तों अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं इस
स्मार्टफोन के बारे में, तो हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई है ना, जिसका लिंक मैं आपको फिर से आई बटन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जाकर के एक बार उस वीडियो को देख ले। और मैं आपको बता दूं, ये ओप्पो का K5 ना काफी ज्यादा बवाल स्मार्टफोन है, जाकर के जरूर से चेक करना। और दोस्तों, जो मैं आपको अगला स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, ये स्मार्टफोन वास्तविक बवाल स्मार्टफोन है, जब भी आएगा तो ये पूरी मार्केट को जरूर से हिलाएगा। चाहे तो आप इसको Mi CC 9 कह लीजिए या फिर आपको Mi Note 10 कह लीजिए, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको 5 कैमरे देखने को मिलने वाले हैं, जिसका रियर सेंसर जो होने वाला है वो 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। सोचिए 108 मेगापिक्सल का कैमरा कितना ज़्यादा कमाल का होगा। वैसे दोस्तों, ज़्यादा जानना चाहते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में, तो हमने इस पर कंप्लीटली डिटेल्स में वीडियो बनाई है, क्योंकि वीडियो में नहीं बता सकते इस स्मार्टफोन के बारे में, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आपके लिए इस पर एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में फिर से दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जाकर के एक बार जरूर Mi CC 9 की वीडियो देखें और देखें 108 मेगापिक्सल का रियर सेंसर है, और वो भी 5 कैमरे के साथ आ रहा है, कितना ज़्यादा तंगड़ा है ये। और दोस्तों, ये सारे के सारे स्मार्टफोन थे जो कि 4G के स्मार्टफोन थे, कुछ 5G के भी स्मार्टफोन आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फ्रेंड, सबसे पहले जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेगा 10 दिसंबर को, वो मिलेगा Redmi की तरफ से, जिसका नाम है Redmi K30 और Redmi K30 Pro। ये जो स्मार्टफोन है वो 10 दिसंबर को लॉन्च हो रहे हैं। ये जो स्मार्टफोन है वो 5G स्मार्टफोन रहने वाले हैं, और इनके कैमरे भी सामने आ गए हैं, क्योंकि इसमें आपको डुअल कैमरे देखने को मिलेंगे, वो भी पंच होल। जी हाँ फ्रेंड्स, देख लिए, पंच होल के साथ डुअल कैमरा, बैक के भी कैमरे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे, 4 कैमरे देखने को आपको बैक में मिल जाएंगे, 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का। वैसे दोस्तों, मैं आपको चीज़ बता दूँ, हमने इस पर भी कम्प्लीटली एक डिटेल्स में वीडियो बनाई है 5G स्मार्टफोन के बारे में, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जाकर के Redmi K30 और Redmi K30 Pro को लेकर के आप इंटरेस्टेड हैं तो उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको चीज बता दूं, ओप्पो भी अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, 5G स्मार्टफोन रहने वाला है, ये भी दिसंबर के महीने में आएगा, जिसका नाम है ओप्पो Reno 3। ये जो स्मार्टफोन है, मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले ही सामने आया है। इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, वो ग्लास की देखने को आपको मिलने वाली है, और कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, और कलर तो आप देख ही पा रहे होंगे कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। जैसे ही आएगा सब कुछ बताएंगे हम आपको अपने ही चैनल पर। वैसे दोस्तों, मैं आपको चीज और बता दूं, रियलमी की तरफ से भी आपको एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा दिसंबर के महीने में भी, ये भी स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है, जिसका नाम है Realme X50। इसमें आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और ये डिस्प्ले में भी आपको डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको Redmi K30 में देखने को मिलेगा, और वही सेम आपको कैमरे इसमें देखने को मिलेंगे बैक में, और सेम कैमरा आपको देखने को मिलेंगे फ्रंट में, 32 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फोन होने वाले हैं Redmi K30 और Realme X50। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कंपटीशन होने वाला है। देखते हैं कितनी प्राइस में लॉन्च होते हैं, जैसे ही आएंगे ये स्मार्टफोन मैं आपको जरूर से इनके बारे में बता दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये थे वो स्मार्टफोन जो कि आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिलेंगे। वैसे दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया है, आप किस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि कोई अगर स्मार्टफोन खरीदने वाला है तो वो इस वीडियो को देखें, क्या पता उनको इस वीडियो में से कोई ऐसा स्मार्टफोन पसंद आ जाए तो वो जाकर के दिसंबर के महीने में ले लें। और दोस्तों, मैं आपको चीज ज्यादा ज्यादा कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करें, और हाँ ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।